आन एक गुरुत्वपूर्ण खबर प्रति जिलार एस पी डिजिपिये निर्देश दिछे एक थाना तीन बस आरक्षीक बदल निर्देशना दिया होमगार्डर इन्सपेक्टर बदल निर्देश दिया एस पी विचार से विशेष तालिका एस आई और ऊर्धतन आरक्षी विषयार तालिका लगे डिजिपिक सत बस अधिक एक जिल आरक्षरों तालिका लगे डिजिपिगक जुन्मनिर मृत्यु पीछे उत्थित हो प्रसंग और तार पास सि वि आए हाथ लोर आज द्वित दिन डिजिपिगक घोषणा कर प्रति जिलार एस पी डिजिपिगक इतिम्य निर्देशना जारी कर थाना तीन बस आरक्षीक बदलि हम गति के लिस्ट होमगार्डर इन्सपेक्टर बदलि कर दियार निर्देशना जारी कर आरक्षी संचालक प्रधान जि पी सिंह एस पी तालिका विचार से एस आई और ऊर्धतन आरक्षी विषयारों तालिका विचार से आरक्षी संचालक प्रधानगढ़ सत बस अधिक एक जिल आरक्षरों तालिका विचार से डिजिपिगक कारण कथ प्रसंग इतिम्य डिजिपिगक कैसे प्राय आठ बस ए एस पी रूणा नेग आ लखीमपुर कथा पंचायत उल्लेख कर तार पास इन दिन थोड़ी डिजिपिगक मंत्य कर बदलि कर दिया हम चकी लड़ शिपा लड़ एक ठाईते थका एक आरक्षी विषया जुन्मनिर मृत्यु पीछे यह प्रसंग उत्थित होम्बार से विषय उत्थन कथा कैसी और शेहतको निर्देशना जारी कर एस पी तीन बस आरक्षीसमूह बदलि कर दी लगे होमगार्डर इन्सपेक्टर बदलि कर लगे एस पी तालिका विचार से समानक एस आई और ऊर्धतन आरक्षी विषयारों तालिका डिजिपिये विचार से सत बस अधिक एक जिल जिस आरक्षर तालिका आए डिजिपिक अति सोकाल दी लगे শক্তিপীঠ কামাখ্যাত চলিছে অম্বুবাসীর প্রস্তুতি দেশ বিদেশের ভক্তক আদরিবলৈ এক প্রকার সাজু হৈছে কামাখ্যা দেৱালয় 22 জুনৰ পৰা নিশা 2:30 মিনিটত অম্বুবাসীর প্রবৃতি 23 জুনৰ পৰা 25 জুনলৈকে বন্ধ থাকিব মন্দিৰৰ দ্বাৰ 26 জুনৰ নিত্য পূজাৰ পাছত খুলি দিয়া হ'ব কামাখ্যাৰ দ্বাৰ অম্বুবাসীর দিনকেইটাত পুৱা 5 বজাৰ পৰা নিশা 9 বজালৈকে নীলাচলত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব ভক্তই ইতিমধ্যে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে সাধু সন্ত প্ৰশাসন তথা চৰকাৰ ধার্য করা নীতি নিয়মের মাজে অম্বুবাসী মহাযোগ অনুষ্ঠিত হব আর উল্লেখ করে থাম যে এবার অম্বুবাসীর সময়সাত খুলে দিয়া হব নবনির্মিত পাণ্ডু কামাখ্যার নতুন পথটি 22 জুনত সোনারাম খেলপথারত অনুষ্ঠিত হব শুভারম্ভণি অনুষ্ঠান পাণ্ডু পোর্ট সোনারাম খেলপথার কামাখ্যার রেল স্টেশনত হব অস্থায়ী শিবির আর তাকে ইতিমধ্যে কেনে ধরনের মন্তব্য করেছে প্রশাসনে কেনে ধরনের মন্তব্য করেছে কামাখ্যা দেওয়ালয় কর্তৃপক্ষ কেনে ধরনের আগবাড়িছে আটাইখিনি কথা আমাক সবিস্তারে জানাব আমার সতীর্থ সাংবাদিক মৌসুমী শর্মা বরুয়ায় অম্বুবাসী সমাগত আৰু কামাখ্যা মন্দিৰত নীলাচলৰ বুকুত এতিয়া ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে অম্বুবাসীৰ কাৰণ 22 জুনৰ পৰা অম্বুবাসী আৰম্ভ হ'ব আৰু ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিসকল সাধু সন্ত আছে সন্ন্যাসীসকল আছে তেওঁলোক ইতিমধ্যে আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নীলাচলৰ বুকুলৈ আৰু আমি আছো কামাখ্যা মন্দিৰত ইয়াত আমি দেখুৱাইছো কিছু সংখ্যক সাধু সন্ত ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু তেওঁলোকক আমি দেখুৱাইছো তেওঁলোকৰ কাষলে আমি যাব চেষ্টা কৰিম যিহেতু অম্বুবাসীৰ সময়ত এইকেইটা দিনত দেশৰ প্ৰত্যেক প্ৰান্তৰ পৰা সাধু বিভিন্ন ধৰণৰ সাধু সন্তসকল আহে আৰু এইখিনি সময়ত সকলোৱে তেওঁলোকে নিজা নিজা ধৰণে মা কামাখ্যাক আৰাধনা কৰে শক্তি যিহেতু শক্তি কামনা কৰি সকলোৱে বিভিন্ন ধৰণে ইয়াত পূজা অৰ্চনা সেইখিনি সময়ত নিজাববীয়াকৈ তেওঁলোকে কৰে আৰু তাৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সাধু সন্তসকল আহে আৰু কামাখ্যালৈ ইতিমধ্যে আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ধৰ্মীয় স্থানৰ পৰা সাধু সন্তসকল আমি তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাব চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকৰ মনোভাৱ জানিব চেষ্টা কৰিম যিহেতু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইতিমধ্যে সাধু সন্তসকল আহিছে বাবা কেছা লাগ ৰহা হে मैं तो इधर 12 महीना रहते हैं अच्छा ही लगेगा फिर अम्बुबाची पहले 2-3 साल अच्छा से मना नहीं पाया क्यों कोरोना पीरियड था महामारी था बन पानी भी हुआ था इसलिए फिर इस बार कोई क्षेत्र में मेला नहीं है असम क्षेत्र में माता रानी का इतना कृपा है अभी तक हम लोग के पास 500 से अधिक नागा बाबा लोग आ गया अवधूत महापुरुष लेके और भी अधिक साधु सूचना है इस बार भारी से भारी संख्यक साधु संत आएगा फिर एक समस्या है जो वो मालीगांव से जो ओबल पुल बन रहे वो भी जरूरी है ओबल पुल के लिए थोड़ा रात में कुछ प्रोटोकॉल रखा ये भी हम सरकार के साथ सहमत पसंद करते हैं क्यों मेला अच्छा से अच्छा होने से उन लोग का सिस्टम से जैसे चलेगा हम लोग बढ़िया सुंदर से चलेगा हम लोग का
20 तारीख से मेला का हम लोग नगर प्रवेश करेंगे। नगर प्रवेश के बाद हम लोग का होगा 21 तारीख में योगा दिवस, विश्व शांति कल्याण के लिए हम लोग सब साधु बाबा लोग हम लोग योगा दिवस करेंगे। योगा दिवस पालन करने के बाद हम लोग का धर्म ध्वजा उत्तोलन होगा। धर्म ध्वजा उत्तोलन होने के बाद हम लोग का कारोबार चलेगा। अम्बुबाची प्रवृत्ति से निवृत्ति तक अखंड हवन पूजा चलेगा। नागा सन्यासी का जो जप तप पूजन करते ही रहेंगे सप्त ऋषि, और बाकी जो हम लोग का साधना है विलीन हो जाना। साधना में कोई मेडिटेशन में रहेंगे, कोई जप में रहेंगे, जिसको जो मन का इच्छा है ये पाठ करके हम लोग माता रानी को इधर सुंदर से सुंदर थोड़ा दिन बिताएंगे। अम्ब शब्द का अर्थ है पानी, बाची का मतलब बर्षण। अर्जावत्ते भारत खंडे जम्बू द्वीपे कलिजुगे कलिर प्रथम चरणे शेद बढ़ाओ कल्पे माता रानी विश्वेश्वरी जगत कल्याणी हरिनेत्र वासिनी विराजमान। हम लोग का जिनेला आदमी का जो माता लोग होता है उसको हम लोग सोचता है नहीं, ये प्रैक्टिकल में ही 30 दिन बाद और ऋतुव्रती होता है। हम लोग साधु गुरु वैष्णव ये लोग सोचता है कि अगुड़ी निर्माण, ये लोग सोचता है कि धरती रजोशाला होता है। धरती रजोशाला होने से क्या होता है, माता रानी रजोशाला होने से उस टाइम हम लोग इधर आके जो क्षेत्र में 12 साल साधन भजन करने का साधन सिद्धि लाभ होता है, इधर ये 3 दिन 2.5 दिन में साधन भजन करने से 12 साल का प्राप्ति लाभ होता है। इसलिए भारत भूमि से भी एवं विदेश से भी सब इस मौका मिल कोशिश करते हैं, इस टाइम आके हम लोग साधन भजन पूजन करेगा। अपना अपना सोच है, सब जिसको पूजा सब अपना है, कोई प्रैक्टिस करने आता है, कोई लोक कल्याण करने आता है। हम लोग भारतवर्ष विभिन्न प्रांतों से माता रानी को पास इसलिए आया, अतः हे महादेवी नित्यं रक्षा सनातनी, ये सनातन को रक्षा करने के लिए नागा बाबा लोग असम क्षेत्र में आए। हम लोग का यहाँ का CM भी बहुत हेमंत बिस्व सरकार बहुत अच्छा आदमी है, हम लोग का मन में लगा, बहुत दिन से जुड़ा हुआ, फिर भी इस साल बढ़िया सुंदर से सुंदर व्यवस्था किया पेंडल का, और उसका आधिकारिक लोग भी हम लोग का साथ आके मिल रहे, बाबा जी क्या कमी है क्या है, बढ़िया सुंदर मेला होगा। फिर जैसे सिस्टम है, जैसे जगह का अनुकूल है, बानपानी भी है, वही बुझ के मेला करना है, मेला भी करना है सिस्टम भी देखना है, यही बात है। हम लोग नागा बाबा लोग अच्छा से साधन भजन करके माता रानी का विराजमान करेंगे। ইতিমধ্যে 500 নাগা সাধু বিভিন্ন প্রান্তৰ পৰা আহি উপস্থিত হৈছেহি, আৰু যি আখাড়া আছে কামাখ্যা মন্দিৰৰ সেই আখাড়াত তেওঁলোকে আহি এদৰে উপস্থিত হৈছে, আৰু 20 জুনৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব অম্বুবাচী যি মেলা তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিব, আৰু যি তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগতভাৱে যি ধৰণে কৰি আহিছে পূৰ্বৰ পৰা সেই ধৰণে ধৰ্ম ধ্বজা উত্তোলন কৰিব, আৰু তাৰ পাছত প্ৰত্যেক দিনেই এই 3টা দিন অম্বুবাচীৰ 3টা দিন তেওঁলোকে সকলোৱে মাৰ আৰাধনাত বিলীন হৈ যাব। তিনিচুকীয়া ৰেল